हेलो दोस्तों, टेक्निकल ब्रू में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अलाउद्दीन। आज के वीडियो में बताऊँ कि आप मोबाइल से अपना 3D इंट्रो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों बहुत आसानी से बना सकते हैं और किसी भी वीडियो में आप 3D इंट्रो लगा सकते हैं। यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या किसी को भी वीडियो बनाते हैं, आप 3D इंट्रो बनाना चाहते हैं तो आप मोबाइल से आसानी से बना सकते हैं। आज की वीडियो में बताऊँ कि आप 3D इंट्रो कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल का होम स्क्रीन पर जाना होगा। चलिए बता देता हूँ कि आपको 3D इंट्रो कैसे बनाना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको एक दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है 3D इंट्रो बनाने के लिए। इसके लिए प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है पिक्सल लैब। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखा हो। और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है काइनमास्टर। ये काइनमास्टर आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हो। काइनमास्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वाला काइनमास्टर आपको डाउनलोड करना है तो चलिए दोस्तों 3D इंट्रो बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन करना है। 3D आपको टेक्स्ट बनाना है। आपको टेक्स्ट कैसे बनाना है, टेक्स्ट को कैसे PNG बनाना है, चलिए इसके लिए पिक्सल लैब ओपन करते हैं। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद जो आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट दिख रहा है दोस्तों, इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर, देखिए डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है ऊपर में, डिलीट कर देना है। इसके बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है, ए पे टच करना है। इस पर देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, उस टेक्स्ट पे टच करना है। टेक्स्ट पे टच करने के बाद देखिए यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आ चुका है दोस्तों। इस पर दो बार क्लिक करना है इस टेक्स्ट पर। इसके बाद इस टेक्स्ट को डिलीट कर हटा साइड करना है। इसके बाद यहाँ से अपना नाम या किसी का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर 3D इंट्रो बनाने के लिए। 3D टेक्स्ट बनाने के लिए आपको टेक्स्ट बना लेते हैं। अपना चैनल का नाम लिख लेते हैं टेक्निकल ब्रू। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया। उसके बाद आपको ओके कर देते हैं। अब इसको हमको 3D टेस्ट बनाना है। हमको सबसे पहले 3D इंट्रो बनाने के लिए 3D टेस्ट बना लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको साइड करना है। देखिए यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा अपना 3D टेक्स्ट पर। देखिए यहाँ देख सकते 3D टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। देखिए 3D टेस्ट का मिल रहा है, इस पर टच करना है। उस पर टच करने के बाद आपको यहाँ से इसको एनेबल कर देना है, ऑन कर देना है आपको दोस्तों। ऑन करने के बाद आपको देखिए यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है 3D करने का, जिस तरह करना है। देखिए नीचे जाना है, ठीक है, जिस तरह रखना है देख सकते हैं। इतना रहने देता हूँ। इसके बाद देखिए इसको भी इस तरह से घुमा सकते हैं, इसे सीधा कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ऐसे डब्बा का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, उस पर टच करना है। देखिए इस पर जाना है, सॉरी दोस्तों आपको ए पर रहना है। इसके लिए आपको इसको टेस्ट को कलर करना है दोस्तों। टेस्ट को कलर कैसे करना है तो इसके जिस तरह स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको देखिए इनर शेडो, इस पर टच करना है। इनर शेडो पर इसको इनेबल कर देना है दोस्तों। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से जो कलर चॉइस करना चाहते हैं कलर ले लेना है। इसलिए मैं ब्लू लेता हूँ। यहाँ से आपको ब्लू कलर ले लेना है। चलिए मैं कोई ब्लू कलर ले लेता हूँ। इसके बाद नीचे जाना है, इसको कलर कर देना है जितना कलर रखना है। देखिए कलर हो चुका है। अब ये मेरा 3D टेस्ट बन चुका है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको देखिए दोस्तों इसको आपको PNG बनाना है। इसके लिए आपको PNG बनाने के लिए देखिए आप डब्बा का ऑप्शन मिरर, इस पर टच करना, डब्बा पर टच करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिरर, इस पर टच करना है, ट्रांसपोर्टेंट, इस पर टच करना है दोस्तों। इस पर टच करने के बाद देखिए आपका टेस्ट जो है PNG बन चुका है। इसके बाद आपको जो कि ऊपर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर टच करना है, इस पर टच करना है दोस्तों। इस पर टच करते हुए सेव इमेज लिखा दोस्तों नीचे, सेव अस इमेज, इस पर टच करना है आपको। सेव टू गैलरी है, सेव टू गैलरी पर टच करना है आपको। ये टेक्स्ट आपको सेव कर लेना है, ये टेक्स्ट आपको सेव कर लेना है। आपको PNG टेक्स्ट सेव हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, चलिए आप अपना काइनमास्टर 3D इंट्रो बनाने के लिए आपको काइनमास्टर पर ले चलते हैं आपको।
दोस्तों काइंड मास्टर ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, देखिए प्लस पे टच करना है, इस वाले प्लस 16.9 पर लेना है दोस्तों। इस पर लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको इस 3D का इंट्रो, इस इंट्रो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस इंट्रो का वो डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन से। नहीं तो ये यूट्यूब में बहुत सारा इंट्रो मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये इंट्रो आप 3D वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूब में बहुत सारा मिल जाएगा ये इंट्रो। चलिए मैं इस इंट्रो को 3D इंट्रो बनाना है और नाम को डालना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सेट कर लेते हैं, चलिए इसको यहाँ पे जो हम 3D टेक्स्ट बनाए थे उसको लेना है आपको। इसके लिए आपको लेयर पे टच करना है, लेयर पे टच करने के बाद आपको देखिए सबसे ऊपर में मीडिया का ऑप्शन मेरा, मीडिया पे टच करना है। मीडिया पे टच करने के बाद आपको जो जो 3D टेक्स्ट बनाए थे हम वो टेक्स्ट को लेना है, पिक्सल लैब के ऑप्शन मेरे उस पर टच करना है, इस टेक्स्ट को अपने लेना है। देखिए मेरा ये है दोस्तों मेरा, हो चुका है। इसको इसके बाद आपको करना क्या है, एनिमेशन में जाना है आपको। देखिए यहाँ पे इसको टच करना है, इसके बाद देखिए जो एनिमेशन लगाना है आपको वो तो यही ठीक है, यही अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा स्पीड कर लेना है, देखिए हो चुका है। चलिए इसको चला के दिखाते हैं हम, देखिए इस तरह देख सकते हैं जो फालतू का दोस्तों, इसको कट कर लेना आपको, कट कर देते हैं। चलिए हो चुका है, ये हमारा 3D इंट्रो बन चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं किस तरह का 3D इंट्रो बनाना है आपको, बहुत आसानी से आप 3D इंट्रो बना सकते हैं इस तरह का। अब इसको सेव कैसे करना है दोस्तों, इसको सेव करने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना है, पीछे जाने के बैक जाने के बाद इसको फिर इस वीडियो पर टच करना है। देखिए यहाँ पे यहाँ शेयर का ऑप्शन मिला दोस्तों, 20 नंबर पे, इस पर टच करना है। देखिए यहाँ पे सेव, जितना हाई क्वालिटी में सेव करना चाहते हो उतना हाई क्वालिटी में सेव कर सकते हैं। चलिए मैं एकदम कर लेता हूँ, ये हमारा इंट्रो सेव हो चुका है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताएं दोस्तों कैसा लगा। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए दोस्तों, पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है दोस्तों, बेल का आइकन दोस्तों वो भी दबा दें, इससे क्या होगा दोस्तों जो भी न्यू वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों।